देखिए, आज जो हम सेशन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन के अंदर हम लोग वी लुकअप के बारे में सीखेंगे। कल भी हमने वी लुकअप की कुछ क्लासेस कर ली थी 20 मिनट के अप्रोक्सीमेट, बट आप में से कुछ बच्चे छुट्टी पर चल रहे हैं, जिनके लिए हमें अलग से एक बार टॉपिक दोबारा से करवाना पड़ रहा है। वी लुकअप का आज ये आपका दूसरा सेशन है, और आपको बता दूँ, मार्केट में अगर बात होगी तो सबसे ज़्यादा वी लुकअप की बात होती है। किसकी ज़्यादा बात होती है? सबसे ज़्यादा वी लुकअप की बात होती है। सर, वी लुकअप क्या है आपको पता होना चाहिए। वी लुकअप लुकअपिंग के काम आता है। किसके काम आता है? लुकअपिंग के काम आता है। क्या होती है लुकअपिंग? लुकअप के काम आता है, मेरे कहने का मतलब है चीज़ों को ढूंढने के काम आता है। होता है कि अगर आप गूगल से या अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस रोल नंबर के पीछे क्या चीज़ लगी होती है? वो वी लुकअप काम करता है। क्या काम करता है आपका? वी लुकअप काम करता है। वी लुकअप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी को एक्सेल आए या ना आए, बस एक फार्मूला सुना होता है वी लुकअप। पता नहीं कौन सी कंपनी थी, कहीं भी जाता था बच्चा, उससे कुछ नहीं आता, पूछा वी लुकअप आता है, एक ही फार्मूला पूछता था। तो मैं जब भी कोई जाता था इंटरव्यू के लिए, तो सिखाया था वी लुकअप सीख ले, सिलेक्शन हो जाता, उसको खाली वी लुकअप आता था और कुछ नहीं आता था। और सबसे एक ही बात पूछता, वी लुकअप आता है, क्योंकि एक्सेल में कोई जानता है या ना जानता, लेकिन वी लुकअप इतना पॉपुलर है कि उसे हर कोई जानता है। इसलिए इस टॉपिक या इस फार्मूले की इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो वी लुकअप लगाने के लिए क्या करोगे? जैसे हमें 25 ढूंढना है, 25 कहाँ से ढूंढना है इसमें, तो आप क्या लगाओगे? वी लुकअप, और कहोगे लुकअप इसको ढूंढो। कहाँ से ढूंढना है सर? टेबल के अंदर जाओ, टेबल एरिया, इस पूरे कॉलम में कॉलम नंबर, नाम को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? नाम। नाम कितने पर है? तो कितना लिख दूंगा, 2 कॉमा 0, 0 मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। क्या होता है 0 मतलब? एग्जैक्ट मैच। तो उसने क्या दे दिया? नाम। फिर मैंने क्या लगाया? वी लुकअप। मैंने क्या बोला? वी लुकअप। किसको लगाओ? इसको। कहाँ से लगाओ? डाटा कॉमा 2। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई नहीं, वी लुकअप इसको लुकअप करो। कहाँ से? यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी। क्वांटिटी कितने कॉलम पे? 4। तो पहले शीट नंबर को काट दो, और अब क्या लिखो? 4 लिखो, कॉमा 0। तो तभी तो गलत आ रहा है। तो अब यहाँ क्या कर दो? वी लुकअप। सर आप एक बार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको एक बार लगा के दिखा रहा हूँ, फिर इकट्ठा लगाएंगे। क्या लगाओ? वी लुकअप। इसको सिलेक्ट करो, कॉमा, अब कितना? 4 हो गया, 5, कॉमा 0। फिर नहीं, कितना हो जाएगा? 6। और फिर क्या लगाओगे? वी लुकअप। किसमें ढूंढोगे? इसमें। कहाँ से ढूंढोगे? डाटा में से, और कॉमा 6, कॉमा 0। 0 नहीं लगाओ तो ऑप्शनल है, वो बड़े ब्रैकेट में सीखा था ना, बड़े ब्रैकेट में क्या होता है? ऑप्शनल होता है। क्लियर? सर अगर हमें वी लुकअप को एक साथ लगाना हो सभी में, तो आप क्या लगाओगे? वी लुकअप। क्या लगाओगे? वी लुकअप। कहाँ से? यहाँ से। टेबल एरिया, यहाँ से। कॉलम नंबर 2, 0, तो वी लुकअप आ गया। लेकिन यहाँ 65, 82 कर दो। अब इसको फ्रीज करो ताकि आगे जाके बढ़ जाए। तो यहाँ F2 करो, A4 क्या बन जाए आगे जाके? क्या B4 बन जाए? नहीं, A4 हमेशा क्या रहे? वहीं रहे। तो किसको फिक्स करोगे? हैं? A को नहीं, कॉलम को बोलो, A को मत बोलना, कॉलम को। क्लियर? अब इसमें क्या जाते हो? AF जो डाटा है वो आगे बढ़े ना बढ़े, क्या कर दो? फ्रीज। क्यों? क्योंकि चेंज ना हो, क्योंकि डाटा तो हमेशा A से लेकर F ही रहेगा ना, A से लेकर क्या रहेगा? वैसे क्या कर दो? आगे कर दो कंट्रोल। अब इसको क्या करो? 2 को क्या कर दो? 3 कर दो। 3 को क्या कर दो?
फोर कर दो, फोर को क्या कर दो फाइव, फाइव को क्या कर दो सिक्स, क्लियर है। लेकिन सर हम यहाँ टू लिखना नहीं चाहते, तो हम क्या कर दो यहाँ लिख दो मैनुअली टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, क्या लगाओ यहाँ वी लुकअप, बोलो इसको लुकअप करो, कहाँ से लुकअप करो यहाँ से लुकअप करो, फिर क्या नाम दे दो कॉलम का टू कॉमा जीरो। पता है इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये इसको फ्रीज करो, इसे क्या कर दो ए को फ्रीज कर दो, इसमें डाटा को फ्रीज कर दो और बी आगे चल के क्या बन जाए सी बन जाए, लेकिन रो एक से लेके दो ना हो, आगे बी क्या बन जाए सी बन जाए लेकिन नीचे आके वो बी टू ना बन जाए, तो किसको फिक्स करोगे इसमें, किसको फिक्स करोगे रो को फिक्स करो, क्योंकि रो नीचे आके टू ना बन जाए, तो किसको फिक्स कर दो रो को, वो कंट्रोल आर कर दो, क्लियर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या फार्मूला सीखा था, कॉलम सीखा था, कॉलम क्या देता है हमें, कॉलम क्या देता है हमें, तुम जहाँ खड़े होते हो उसका कॉलम नंबर देता है, जहाँ तुम खड़े होते हो उसका कॉलम नंबर देता है, जहाँ तुम खड़े होते हो उसका क्या देता है हमें कॉलम नंबर, क्या जहाँ तुम खड़े होते हो उसका क्या देता है हमें वो कॉलम नंबर देता है, इसमें कोई परेशानी है। अब हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे वी लुकअप, क्या दे देंगे वी लुकअप, कहाँ से ढूंढो डाटा से, फिर अब कॉलम हम जानते हैं, अगर हम जहाँ खड़े होंगे उसका कॉलम नंबर आ जाए और कॉमा जीरो आ गया पुनीत, अब इसे क्या लगा दो इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो आगे ड्रैग कर दो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका चाहते हो तो आप क्या लगाओ वी लुकअप, कहाँ से लगाओ डाटा में से, फिर कर्ली ब्रैकेट में लिख दियो दो तीन चार पाँच छः सात और कॉमा ज़ीरो, इसे क्या बोलते हैं एरे फार्मूला, इसको सिलेक्ट करो F2 करो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हाँ F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सर क्या हम एक बार में लगा सकते हैं वी लुकअप, लगाए एरिया को सिलेक्ट करें वी लुकअप टेबल एरिया कॉमा ज़ीरो नहीं कर्ली ब्रैकेट टू थ्री फोर फाइव सिक्स और कॉमा ज़ीरो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्लियर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग वी लुकअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे वी लुकअप, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है। इसने इतना हो जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वो आता है हमें वी लुकअप लगाना है, लेकिन अगर हम इसका नाम चेंज करें, क्या कर दें हम सिटी, तो डाटा चेंज हो जाए, हम यहाँ नेम कर दें तो नेम आ जाए, तो उसके इस केस में क्या कर दोगे आप, तो आप क्या सीखोगे इस केस में मैच सीखो, क्या सीखोगे मैच, मैच फार्मूला क्या करता है हमें मैच बताता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लगाओगे मैच लगाओगे, अभिषेक क्या लगाओगे मैच, मैच क्या करता है हमें पोजीशन बताता है, क्या बताता है हमें पोजीशन बताता है। सर कैसे पोजीशन बताता है, अगर तुम यहाँ मैच लगाओ और कहो मैच हमें क्या दे दो क्वांटिटी बताओ, कहाँ से बताओ इस डाटा में से बताओ, तो हमें उसके क्या बता देगा पोजीशन, कितने नंबर पे चार नंबर पे। तुमने कहा अच्छा करो ऐसा करो मुझे क्या बताओ आप, मुझे यहाँ पर नेम बताओ नेम कितने पर है, तो तुम क्या लगाओगे, ठीक है क्या लगाओ यहाँ पर नेम, क्या लगा दो नेम, ठीक है क्या लगाओ यहाँ पर मैच। कल क्लास 6:30 है, साढ़े छः, कल साढ़े छः बजे क्लास है, ठीक है क्या लगाओगे मैच, किसको लुकअप करना है इसको, कहाँ से लुकअप करना है इस डाटा से, इसमें जाएं कॉमा ज़ीरो टू आ गया। अब तुम उसके नाम को चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज होगी, क्लियर। अब क्या लगाओ वी लुकअप, क्या लगाओ वी लुकअप, किसको लुकअप करना है कहाँ से लुकअप करना है डाटा से,
कॉलम नंबर क्या है जो यहाँ गिवन है, कॉमा जीरो। अब इस फार्मूले को कॉपी करो, कहाँ पेस्ट कर दो, नीचे पेस्ट कर दो। लो आपका फार्मूला क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। क्लियर। अब इसको फ्रीज कर दो, ये कभी भी चेंज ना हो। तो सर क्या फिक्स कर दोगे, ए फिक्स कर दोगे, इसमें क्या फिक्स कर दोगे पूरा, और बी आगे जाके क्या बन जाए, सी। क्या लगा दो और इसका डाटा फिक्स कर दो, कंट्रोल आर। नेम सिटी क्वांटिटी एमआरपी डेट, डेट एमआरपी नेम सिटी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। फिर सीखा था वी लुकअप, वी लुकअप की पोजीशन सीखी थी। वी लुकअप कभी भी, वी लुकअप कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं चलता, हमेशा लेफ्ट टू राइट। वी लुकअप की सबसे बड़ी कमी यही है कि वी लुकअप कभी भी लेफ्ट से राइट जाता, लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं आता। मैं तुमसे कहता हूँ बताओ 107 नंबर पे कोई नाम है, उसको क्या कर दो, ढूंढ दो, तो वी लुकअप से तुम ढूंढ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नाम पहले लिखा है और बाद में क्या लिखा है, पहले आईडी लिखी है, सॉरी पहले नाम है फिर आईडी है, तो वी लुकअप इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। लगाओगे आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्या जाएगा आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो उस केस में आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, सबसे पहले बताओ 107 नंबर कितने पर है, क्या लगाओगे मैच, क्या कहां पर, इसको ढूंढो कहां से, कॉमा कितने पर, 8। अच्छा क्या ढूंढना है, नेम, नेम कहां पर है, इसको ढूंढो कहां से, कॉमा 0। क्लियर वंदना, क्लियर। मैच किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, नाम को, कहां से, इस पूरे कॉलम में से, कॉमा 0। हमें क्या ढूंढना है, ये आईडी ढूंढनी है, तो मैच कहां से, कॉमा 0। अब क्या लगा दो, इंडेक्स, इसको किसको, इस एरिया में जाओ और रो नंबर 8 पर कॉलम नंबर 1 पर जो नाम है वो दे दो, और तुम ये चेंज करते जाओ, चेंज हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि वो किससे ढूंढ रहा है। अब इस फार्मूले को मर्ज कर दो, कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दो। क्लियर, इसको डिलीट कर दो। लेकिन पता है इंडेक्स में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, इंडेक्स कभी भी सुनील कुमार राठौर, ठीक है आ गया, आईडी यहाँ कर दी 111, बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन वी लुकअप कभी भी इसको नहीं, इंडेक्स कभी नहीं ढूंढ पाएगा। पता है क्यों, क्योंकि इंडेक्स का वो एरिया है ही नहीं। तो इस केस में जब एरिया बढ़ाना होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लगाएंगे मैच, क्या चाहिए, क्या ढूंढना है हमें, कहाँ से, इस पूरे एरिया में से। क्लियर, और कॉमा 0 कितने में, नहीं 12। क्लियर, देखो हमने कहला कि मैच तुम इसको ढूंढो, अभी इतना एरिया दे रहे थे हम बार बार, फिर बाद में डाटा बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी, तो हमने क्या दिया, हमने कहा पूरे कॉलम में ढूंढो, इसमें ढूंढो और कॉलम नंबर 0। फिर हमने क्या बोला, मैच किसको ढूंढो, कहाँ से, इस पूरी रो में से, कॉमा 0। क्लियर, और क्या लगाओ, ऑफसेट। ऑफसेट का सबसे बड़ा फायदा है कि ऑफसेट के पहले नाम दे दो, वो अपने आप एरिया निकाल लेता है। अभी क्या पूछता है, रो नंबर, रो कितनी है 12, लेकिन माइनस कितना करोगे 1, क्योंकि ऑफसेट कितने से स्टार्ट होता है, 0 से।
कॉलम नीचे गिवन है माइनस वन। अब डाटा तुम जितना मर्जी बढ़ा लो, क्लियर है। इसके बाद आता है आपका एच लुकअप। क्या आता है आपका, अगर किसी को वर्टिकल ढूंढना हो, डाटा ऐसे हो तो इसे बोलते हैं वी लुकअप, लेकिन डाटा ऐसे हो तो क्या होता है एच लुकअप। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम, क्या लगाओगे एच लुकअप। किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, आईडी नंबर 7 को ढूंढना है, और उसकी क्या ढूंढना है, नेम को ढूंढना है। क्या ढूंढना है तो क्या लगाओगे एच लुकअप। किसको लुकअप करना है, कहाँ से, इस पूरे एरिया से। रो नंबर कितना है, रो नंबर कितना है, रो नंबर रो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना, गलत हो गया, ये रो नंबर मांग रहा है। क्या मांग रहा है हमसे, रो नंबर। नेम कितने पर है, 2 पर है, तो क्या आ गया, रवि आ गया। रो नंबर मांग रहा था, वो मैं क्या दे रहा था, कॉलम नंबर दे रहा था। क्लियर, तो लग गया। अगर इसे डायनेमिक करना तो क्या लगाओगे, मैच। मैच किसको ढूंढ के दे हमें, इस इसको ढूंढ के दे, नाम को कहाँ से ढूंढ के दे, इस कॉलम में दे, कॉमा 0 कितने पर है, 2 पर। इसको कॉपी कर कहाँ डाल दे, और यहाँ पे एक्स कर दे। सिटी करोगे सिटी आ जाएगी, क्वांटिटी करोगे क्वांटिटी आ जाएगी, एमआरपी करोगे एमआरपी आ जाएगी। अब हमें सीखना है मल्टी शीट वी लुकअप। क्या सीखना है, मल्टी शीट वी लुकअप। अब तक जितना वी लुकअप की बात हो रही थी वो थोड़ा वी लुकअप था, एक वे लुकअप था, लेकिन आज जो हमें लगाना है वो मल्टी शीट वी लुकअप लगाना है। क्या लगाना है, मल्टी शीट। मान लो एक डाटा है जिस पर डाटा 1 से लेकर कितने हैं, 682, दूसरी शीट पर डाटा कितना है, 682 से 83 से लेकर 1194, और एक शीट पर डाटा कितना है, 1195 से लेकर 1503, और एक पर डाटा कितना है, 1504 से लेकर 3401 तक, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं यह नाम लिखता हूँ, अगर मैं एक बार वी लुकअप लगाऊँ, क्या बार लगाऊँ, एक बार वी लुकअप लगाऊँ कि इसको लुकअप करो, इस शीट से लुकअप करो, कॉमा नाम 2, 0, तो वो हमें एरर देते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डाटा D1 पर डाटा कितना है, 683 तक है, लेकिन हम डिमांड कितने कर रहे हैं, तो क्या आंसर देगा। लेकिन अगर मैं 500 कर दूँ और यहाँ कितने लिख दूँ, 3 कर दूँ, तो आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डाटा था। लेकिन अगर 1200 कर दूँ, क्यों हंस रहे हो, क्या लगाओगे आप, इसके लगाओगे वी लुकअप। क्या लगाओगे आप, वी लुकअप। यहाँ तुमने 700 लिख दिया, एरर दे रहा है, 500 लिख दिया तो आंसर आ गया। क्लियर, तुमने एक बार तो वी लुकअप लगा लिया शीट 1 से, कितने बार लगा लिया, अब क्या लगाओगे, एक और बार वी लुकअप लगाओगे, नितिन वी लुकअप इसको, और कहाँ से ढूंढोगे, शीट 2 से, कॉलम नंबर 3, 0। फिर एक और बार वी लुकअप लगाओगे, किससे ढूंढोगे, इसको, कहाँ से, 3, 0। फिर कितनी बार लगाओगे, वी लुकअप और कॉमा 4, 0। क्लियर, अब एक बात समझ आ गई, इन चारों में एक जगह आंसर है। अगर डाटा 700 पर होगा तो दूसरे में आंसर है, डाटा अगर 1282 83 होगा तो तीसरे में, और डाटा अगर 2000 होगा तो। मतलब किसी एक जगह डाटा आएगा, क्लियर, 3-4 में से किसी एक जगह डाटा आएगा, क्योंकि डाटा 4 में से किसी कहीं तो होगा, तो आप क्या लगाओगे, इफ एरर। इफ एरर, अगर ये तुझे एरर दे दे तो क्या दे,
ये दे, बात हो गई मेरी खत्म। हमने क्या बोला है फिर, अगर तू पहला वाला एरर है ना, दूसरे का आंसर दे दे। अब इस फार्मूले को कॉपी करो और वहाँ क्या कर दो, पेस्ट कर दो। इसको कॉपी करो और क्या कर दो, वहाँ पेस्ट कर दो। क्लियर? इसकी ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं। अब क्या लगाओ, इफ एरर, अगर ये एरर दे दे तो किसको दो? इस फार्मूले को कॉपी करो और कहाँ बैठ, कम परचेज भी हो गई। अभिषेक एक बार चेक करना, ये हो गई। यहाँ पर बी थ्री पे वैल्यू पेस्ट कर दो और इस वैल्यू को कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दो, वहाँ पेस्ट कर दो। क्लियर? इसकी ज़रूरत नहीं। अब क्या लगाना है, ये फैल, अगर ग्याली वैल्यू वाला दे दो, क्या दे दो। अब इस फार्मूले को कॉपी करो। क्लियर? और कहाँ पेस्ट कर दो। हमने कुछ नहीं करा, बस फार्मूले को मर्जिंग कर दी, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, बस बस उठा के रख दो। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीशीट व्यू। आपका होमवर्क है, आप इस फार्मूले को डायनेमिक करके लाना कि अगर मैं यहाँ सिटी चेंज करूँ तो वहाँ सिटी आ जाए, क्वांटिटी चेंज करो तो क्वांटिटी आ जाए, एमआरपी करो तो एमआरपी आ जाए। डायनेमिक करके लाना, कैसे करके लाओगे वो आपके ऊपर है भाई, वो तो आपके ऊपर। खेलना चाहो तो खेल सकते हो, कोई बात। आप वो आपको मोटिवेट करता है, आपको बातें याद आनी चाहिए। जब तक आपका टारगेट आपको नहीं पता होगा ना, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती, तो इसलिए टारगेट बनाना पड़ता है। कि आपका शुरू से टारगेट होता है, इसलिए लोग 11th या 12th करते वक्त अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, कल 6:30 बजे क्लास है, कल 6:30 बजे क्लास है, हाँ कल 6:30 बजे क्लास है, मैंने बोला 3 बार। ठीक है, आइए, एक अटेंडेंस शीट है हमारे पास, इसमें से ना अब मज़ा आएगा, अब पक्का मज़ा आएगा। इसका आंसर रजनीश मौर्या देगा। कहानी सुनो, बहुत लंबी कहानी है। कहानी इस प्रकार स्टार्ट हुई थी कि इसमें नाम है EID का मतलब है एम्प्लॉई ID, और इसमें नाम है, उनकी डेट है कि वो कब कब आए और कब कब नहीं आए। तो रजनीश जी, हम तुमसे बस इतनी डिमांड करते हैं कि अगर हम किसी की आईडी डालें और उसका नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए, जितनी डेट डालें उतनी अटेंडेंस टोटल होके यहाँ आ जाए। वाह भाई वाह, एकदम आंसर फटाक दिया। क्या लगाएंगे नाम के लिए, वीलो का, किसको ढूंढो, 5 को, कहां से, यहां से, इस पूरे एरिया में से नाम कितने नंबर पे, 1,0, तो 5 आ गया, क्या गया, 5। हमें क्या चाहिए इसमें, 2, क्या गया, 2, क्या गया, इंदर, क्या गया, इंदर, तो 5 नंबर पे क्या, इंदर। ये तो कोई था, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, दर्जी से तुरंत आंसर दे दिया, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ आएगी ना, क्या, कि मुझे यहाँ जो डेट डालूँ उसकी डेट का टाइम आ जाए। अगर मैं यहाँ लिखूँ 15 से लेकर 16 जनवरी, तो यहाँ उसकी डेट आ जाए भाई, जितना आ जाए, हैं तो मैच कैसे करेंगे भाई। यहाँ डेट चाहिए ना पहले, डेट तो आए, कितने से तुम स्टार्ट करने चाहते हो, तो हम बोलेंगे इक्वल, क्या बोलेंगे, इक्वल जो वैल्यू है वो दे दो, जो वैल्यू है वो दे दो।
उसके बाद क्या बोलो, उसके बाद बोलो इफ, क्या बोलो, इफ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इस वाली वैल्यू में एक जोड़ने के बाद, क्या बोला मैंने, जो यहाँ डेट लिखी है इस डेट में अगर मैं एक जोड़ता हूँ और वो डेट क्या है बड़ी हो जाती है, तो तुम इसे क्या कर देना, ब्लैंक, अदरवाइज में प्लस कर दूंगा। बात समझ आई मैंने क्या बोला, मैंने बोला इफ अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इसमें एक जोड़ने के बाद, क्या है बड़ी है, तो तुम क्या कर देना, क्या बोलना, इफ ये वैल्यू, इफ इस वैल्यू में एक जोड़ने के बाद, इस वैल्यू में अगर एक जोड़ने के बाद अगर वैल्यू किससे ग्रेटर देन या इक्वल टू है इस वैल्यू के बराबर, चेक कर लो उनका डाटा सामने वालों का क्या है, तो क्या कर देना कॉमा, तो हमें इसमें प्लस वन कर देना, अदरवाइज ब्लैंक कर देना, क्लियर। तो क्या होगा, समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह, दुआ समझो, इफ अगर इस वैल्यू में एक जोड़ने के बाद, एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 16, अगर वो वैल्यू किससे बड़ी हो जाए, इस वैल्यू से बड़ी हो जाए, तो तुम इसको ब्लैंक कर देना, अदरवाइज में एक प्लस कर देना, क्लियर। अब इसको फिक्स कर दो, बी आगे जाके बन जाए 7 बन जाए, लेकिन ये चेंज ना हो तो इसे क्या कर दो फ्रीज कर। अब आ गया, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, कंट्रोल आर कर दो, कोई फर्क पड़ा, हाँ सर एरर आ गई, क्यों आ गया एरर, क्योंकि यहाँ इसने चेक करा, क्या चेक करा, किस वैल्यू में एक जोड़ने के बाद, और पता है ब्लैंक, जो ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक एक टैक्स होता है, क्या होता है वो, और ये किसके ऊपर बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, नंबर की। तो तुम यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ क्या लगा दोगे स्टार्टिंग में, इफ एरर, अगर वैल्यू क्या दे तुम्हें एरर दे, तो क्या लगा देना ब्लैंक कर देना और कंट्रोल आर कर दो, खत्म। अब तुम यहाँ 24 बोलो, 21 बोलो, तो 21 का डाटा आएगा, तुमने बोला 25, तुमने बोला 15 से 15, थर्मोडायनेमिक हो गया, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने दो चीज यूज करी बस, सबसे पहली चीज क्या यूज करी, पहले बोला इफ एरर अगर इसमें एक वैल्यू जोड़ने के बाद वो वैल्यू किससे बड़ी हो जाती है इस वैल्यू से, तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें प्लस एक कर दो, क्लियर। 16 है, कहाँ 16 15, अभी एरर देगा तो उसके लिए क्या लगा दोगे, इफ क्लियर, ठीक है। अब यहां कर दो 24, क्लियर। लेकिन मैं यहां क्या चाहता हूं, क्या आ जाए, पी आ जाए, क्या आ जाए, पी आ जाए, बताओ ऐसा क्या फार्मूला लगाओ, क्या लगाऊं, क्या चाहिए बताओ, वी लुकअप यहां काम करेगा, कर देगा। अभिषेक सर बोलो ना सर, वंदना मैम कर देगा, आपकी बात बड़ी, वी लुकअप किसको लुकअप करो, बी को लुकअप करो, डेट को लुकअप करो, और कहाँ से लुकअप करो, और इसका मैं क्या दे दो कॉलम नंबर, वे लुकअप किसको लुकअप करो,
कहाँ से? डाटा से लुकअप करो। अब कॉलम नंबर क्या है हमें पता नहीं, तो क्या लगा दो, क्या लगा दो? हमने गलती करी है, गलती ये करी, हमें बोलना चाहिए था वी लुकअप, किसको लुकअप कर? इसको। कहाँ से लुकअप कर? इस सीट से लुकअप कर। और तू कहाँ जा? और यहाँ क्या चाहिए? कॉलम। कॉलम के लिए क्या लगा दोगे? मैच। तो मैच किसको मैच कर? इसको मैच कर। कहाँ से मैच कर? यहाँ से मैच कर, ठीक है। कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो। क्या दे दी? क्या हटेगा? ये हटेगा। आराम समझो, पहले क्या लगाओगे? मैच। इसको ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है? कॉमा जीरो। कितने पर है? 17 पर। क्या लगाया? वी लुकअप। किसको दो? इसको दो। कहाँ से दो? यहाँ से दो। एक छोटी गलती हो गई। वी लुकअप, इसको लगाओ। कहाँ से है? इस डाटा में से। और फिर हमें क्या चाहिए? 17 नंबर, कॉलम, कॉमा जीरो। एंड ने वी लुकअप बोल रहे थे, वी लुकअप आ गया। एच लुकअप की भी जरूरत नहीं आएगी। सोचो, बताओ ना क्या करें इस केस में। आपका क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे हमारा आंसर नहीं मिल रहा? नो आंसर। अगर आप इस शीट को दोबारा खोलेंगे, मैं शीट को अनसेव करता हूँ और शीट को दोबारा आपके सामने खोलता हूँ वी लुकअप, और उस शीट पर जाऊँ तो देखना यहाँ वी लुकअप ही लगाए। क्या लगाए? वी लुकअप। गलती कहाँ है ये देख के बताओ। अरे फिर तो बात की बात है, गलती ढूंढो, गलती कहाँ है? बन गई? 2 मिनट आ रहा हूँ, बैठो, चेक करने आ रहा हूँ। हैं? फ्रीज कर या पहले कॉलम पे फ्रीज कर दो क्या आप लोग? अरे एच के पीछे पड़ गए। मैच तो लगा हुआ है, मैच तो लगा हुआ है सर, मैच तो लगा हुआ है, पहले भी तो मैच लगा था। क्या गलती थी? गलती ये थी कि हमें इस आईडी को ढूंढना था, नेम को नहीं ढूंढना था। हम गलती ये कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें चीज दिखाई है ताकि तुम उसे कर सको। आइए दोबारा से इसको करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं पूरे को। क्या लगाएंगे यहाँ पर? वी लुकअप। यहाँ से क्या लाएंगे? रजनीश सर बताएंगे नहीं आप क्या लाएंगे? नेम आ गया। अब क्या लगाओगे? वी लुकअप। कहाँ से? इसको लुकअप करो। कहाँ से रजनीश लुकअप करो? डाटा में से लुकअप। फिर मैच, क्या लगाओ? मैच। किसको मैच करो? इसको। कॉमा, कहाँ से? कॉमा जीरो, कॉमा जीरो। आ गया। उस दिन क्या था? अब्सेंट था। क्या था? अब्सेंट। लेकिन प्रॉब्लम तो ये, इसे आगे बढ़ाना है। क्या कर दो इसे? फिक्स। ये F4 कर दो, ये कभी चेंज ना हो। ये फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो। बी आगे जाके क्या बन जाए? सी बन जाए। तो क्या लगा दो इसको? 7 को फिक्स कर दो। इसका पूरा डाटा फिक्स कर दो। अब इसको आगे ड्रैग कर दो। लेकिन अगर डाटा 17-1 का 17-1-2016 का हुआ
तो ये बाकी क्या दे देंगे, तो क्या लगा दो उसके आगे, क्या लगा दो, इफ एल। अब देखो यहाँ लिखो 25/1/2016, क्लियर। आप चाहते हो पी का टोटल भी आ जाए, किसका टोटल आ जाए, पी का टोटल, तो एक और लगा दो यहाँ पर, क्या लगाओ, इफ, क्या लगाओ अभिषेक, आवाज नहीं आई, क्या लगाओ, इफ, और बोलो इफ अगर ये वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, क्या है, ब्लैंक है, तो तुम क्या दे दो, काउंट दे दो, काउंट इफ दे दो, किसको, B2 से लेकर A2 से लेकर, हमेशा एक कॉलम को छोड़ के लगाते हैं, पहले का तो टर्म सम चाहिए होता है ना, यहाँ बोलो इफ अगर ये वैल्यू क्या हो, ब्लैंक हो, तो तुम क्या निकालो, काउंट इफ, काउंट रेंज क्या, कहाँ से ढूंढना है, B2 से लेकर B8 से लेकर B8 को, और किसको काउंट करना है, पी को, और बल पी इंटर, ओके ठीक है आ जाओ, कितना काउंट करा, एक ही काउंट करा, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या हो गई, तुमने इसको बी को, बी एट को फिक्स कर दो, सर बी एट को फिक्स क्यों करा, क्योंकि जब वो आगे जाएगा बी एट, मैंने खाली बी एट को फिक्स करा, पता है क्यों, क्यों मैंने बोला अगर तुम बी एट को फिक्स करोगे तो आगे क्या बन जाएगा, बी एट हो गया, आगे जाके क्या बन जाएगा, बी एट क्या बन जाएगा, C8, आगे जाके क्या बन जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ रहा है ना, तो यही बेनिफिट उठाया हमने, ठीक है। तुम यहाँ खड़े थे तो इतना एरिया था उसका, तुम यहाँ खड़े हो तो उसका एरिया बढ़ गया, क्योंकि हमने B8 को फिक्स करा है, बाकी वो आगे जाते जा रहा है, अपनी वैल्यू को बड़ी करता जा रहा है, ठीक है। तो हम आज टॉपिक को यहीं स्टॉप कर दें, कल बी लुकअप की एक क्लास और होगी, फिर हम स्टॉप करें।